हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की कुकिंग में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको कुछ अलग तरीके का जूस बताने वाली हूँ जो बेहद ही टेस्टी, बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है। और ये जूस उम्मीद करती हूँ एक बार अगर आपने अपने घर पे बनाया तो बार बार पीने की इच्छा रखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इतनी सामग्री ली है जूस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम तरबूज को काट लेंगे। पूरा एक तरबूज था तो मैं एक चौथाई भाग ही डालूंगी तरबूज का। और देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक पीस करते हुए हमें तरबूज को काटना है। यह जूस बड़े तो क्या, बच्चे भी बड़े आसानी से बना लेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप इस जूस को मेरे कहने पर बनाकर और पीकर बताइएगा आपको ये जूस कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, हमने काट लिए हैं, इतने ही बारीक रखने हैं हमें। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है और 1 गिलास मैंने लिया है दूध। एक से हमारे 2 गिलास बन करके आराम से रेडी हो जाएंगे। ये कच्चा दूध है, इसको मैंने गर्म नहीं किया है। और देखिए, सारा दूध मैं एक बड़े बर्तन में डाल लूँगी। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें चीनी, 2 बड़े चम्मच मैंने ली है चीनी। और अब इस चीनी को अच्छे से घोल देंगे। चीनी बड़ी आसानी से इसमें घुल भी जाती है क्योंकि अभी हमने बर्फ आइस वगैरह कुछ नहीं डाली है इसमें, तो वो थोड़ा गर्म सा दूध रहता है। तो अब हम डालेंगे इसमें चीनी। घुलने के बाद रौबजा डाल देंगे। रौबजा मैंने 3 चम्मच डाला है क्योंकि 2 चम्मच से इसमें कलर नहीं आएगा, तो आप भी 3 चम्मच ही डालिएगा इसमें। पिंक पिंक सा रहता है इसमें कलर, काफी अच्छा लग रहा था। अगर आपको ज्यादा पसंद है, कलर ज्यादा करना है, तो 4 चम्मच कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ 3 चम्मच से कैसा कलर आया है। बस इतना ही हमने कलर करना है इसमें। अगर आप अपने मन के अनुसार डाल सकते, 1 चम्मच और बढ़ा सकते। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें कटे हुए तरबूज। देखिए, तरबूज डालने से काफी अच्छा लगने लगा है ये। हाँ, बीज के साथ में ही डालेंगे, बीज को हम अलग नहीं करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे बर्फ। ये मैं गांव में वीडियो बना रही हूँ तो फ्रेंड्स, मक्खियाँ काफी ज्यादा लग रही हैं। तो अब मैंने देखिए डाल दिया है इसमें आइस। कांच के 2 गिलास ले लूंगी और इस जूस को, ये एकदम बन करके तैयार है। अब आप प्लेट में, ग्लास में करके इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए, हमने 1 गिलास दूध लिया था, उसमें 2 गिलास आराम से आसानी से बन जाता है। देखिए, कुछ इस तरह का हमारा जूस बन करके तैयार हुआ है। प्लीज़ एक बार अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको ऊपर से और अच्छा डेकोरेट करना है इसे, तो मैं रौबजा से ही इसको ऊपर से कलर दे रही हूँ। 1 1 चम्मच ऊपर से कलर डाल देंगे, रौबजा ही डाल देंगे। और अगर आपके पास अनार वगैरह और भी डेकोरेट के लिए कुछ हो तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।